दस रुपये में भी आलू ले रही है। ये मेरा न्यू साइकिल है, आप देख सकते हो कितने मम्मी ने अभी कितना सामान लिया है, आप देख सकते हो। साइकिल चलाते चलाते आया था और साइकिल बीच में बिगड़ गई, तो एक भाई को दिया सही करने के लिए, वो भाई सही कर रहा है अभी साइकिल। अभी साइकिल लेकर बहुत थक चुका हूँ, अभी रूम पे नहीं पहुँचा है सीटों की मम्मी। मैं भी थक गई, देखो ये सीटों को लेके बहुत थकान हुई है। हेलो मित्रों, कैसे हो आप? जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हमारा प्यार भरा नमस्कार। अभी अभी 3:30 बज गया, मैं अभी जॉब से छूटा हूँ दोस्तों, अभी मेरे को घर जाना है। तो दोस्तों आज हमें घर जाने वाला हूँ साइकिल पे ऊपर, क्योंकि अभी मैंने इधर आके न्यू साइकिल लिया है हमारा, ये साइकिल अभी मैं साइकिल के ऊपर घर जाऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं साइकिल पे घर जा रहा हूँ, ये मेरा न्यू साइकिल है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों इधर मैंने साइकिल खड़ा कर दिया है, सामने बहुत पानी है, आप देख सकते हो सामने पूरा। दोस्तों आप देख सकते हो ये हाँ साइकिल है और सामने बहुत पानी है। अभी बारिश हुआ था तो अभी मैं रूम, अभी मेरे को मार्केट जाना है शाकभाजी लेने के लिए, और सीटों की मम्मी सामने से आएगी, हमको शाकभाजी लेके घर जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा साइकिल का चैन निकल गया है इधर, और मेरे को साइकिल का चैन सही करना है क्योंकि ये चैन सामने पूरा निकल गया है। तो दोस्तों फिर करना है, दोस्तों चैन इसमें फंस गया है। तो दोस्तों चाहे साइकिल के अंदर चैन फंस गया है, अब साइकिल के चलने के लिए मेरा हाथ कैसे हो गया आप देख सकते हो। साइकिल का चैन इसमें फंस गया, अभी निकल नहीं रहा है, तो चैन पूरा इसमें फंस गया, अभी नहीं निकल रहा है, मेरे को जोर से निकलना पड़ेगा। अभी कैसे हो गया क्योंकि अभी मैं चैन, साइकिल का चैन पूरा निकल गया था तो मैं सही नहीं कर पाया हूँ। तो अभी मैं इधर साइकिल की दुकान था वहाँ मैं अभी लेके आया हूँ ये श्रीराम टायर पंचर के पास। दोस्तों मैं बहुत बिक गया हूँ, अभी मेरे को गर्मी लग रही है क्योंकि मैं अभी साइकिल चलाते चलाते आया था और साइकिल बीच में बिगड़ गई, तो एक भाई को दिया सही करने के लिए, वो भाई सही कर रहा है अभी साइकिल। हमारा साइकिल का हाल आप देख सकते हो बहुत बुरा है, हमारा साइकिल का हाल और हमारा भी बहुत बुरा हाल हो गया है। तो दोस्तों हमारा फाइनली साइकिल अभी सही हो गया है, आप देख सकते हो अभी साइकिल हो रहा है, मतलब होने वाला है। अंदर से ही चलो। तो दोस्तों हमारा अभी साइकिल रेडी हो चुका है, अभी आप देख सकते हो, अभी मेरे को पैसा देने का है, कितना हो भैया? ठीक है बोल। तो दोस्तों मेरा हाथ बहुत बिगड़ गया है, इसलिए मैं हाथ ही हाथ धोने वाला, ये पूरा चिका जा ही नहीं रहा है क्योंकि ऑयल का था इसलिए। तो दोस्तों फाइनल मैंने उसका पैसा दे दिया है, अभी मेरे को घर जाना है क्योंकि सेट्टी की मम्मी अभी बीच में खड़ी है। वो कर दिया अभी, हाँ ठीक है, 5-10 ही दो, हाँ ना बस हो गए। साइकिल रेडी हो चुका है, अभी मैं सेट्टी की मम्मी पास जाने वाला हूँ, तो ठीक है। तो मैं सेट्टी की मम्मी के पास आ गया हूँ क्योंकि मेरा साइकिल बीच में बंद हो गया था, मैं बहुत थक चुका हूँ साइकिल लेके आते समय। और सेट्टी की मम्मी अभी सीटों की मम्मी सबको हाँ बोलो, हाँ तो सीटों की मम्मी भी आलू ले रही है, हाँ बोलो सबको। तो सीटों की मम्मी ने इतना भी आलू लिया है क्योंकि अभी 1 kg ले, 1 kg लेने वाली है, किलो लेंगे ना, 1 kg ले लो। मित्र वो दे दो बास्केट, दे बास्केट दे दो, रोड रख ले दो, याद नहीं सुना ये लेना है। हाँ तो दोस्तों सीटों ने मम्मी ने अभी डूबी
प्याज भी अभी लेने वाली है। अब मेरा हाथ कैसा हो गया देखो तो, थोड़ा काला काला हो गया क्योंकि साइकिल सही करा था, साइकिल भी सही नहीं हुआ तो अभी मैं सही करके आया हूँ। मैं पूरा पसीने से भीग गया अभी। हाँ दोनों एक एक करवा दो। और मर्चा का क्या है? ये वाला सबको हाय बोलो, सिर्फ हाय बोलो सबको। हेलो एक सौ दस। ठीक है दोस्तों, हमारा भी 110 रुपया हुआ है। शाक भाजी का कितना? शाक भाजी का 80 रुपये। मम्मी ने एक शाक भाजी लिया है। इतना सारा शाक भाजी सीटों की मम्मी ने लिया है। दोस्तों सीटों की मम्मी वहाँ ले रही है और मेरे को बहुत गर्मी हो रही थी तो मैं बाहर आया अभी। मैं पूरा पसीने से पूरा बिक गया इसलिए मैं बाहर आ चुका हूँ। बाहर आया था बस हो गया। कितना हुआ? 282 बस हो गया। ठीक है सब ले लिया ना? हाँ ले लो ले लो मग करो। दोस्तों सीटू ने ये सीटू मम्मी ने ये तेल लिया है। और दे हल्दी लिया, टर्मरिक पाउडर, एक छोटा सा कोपली लिया है सर पर डालने का, 20 वाला है। हो गया ना? कितना सब मिला? 300। कितने मम्मी ने अभी कितना सामान लिया है आप देख सकते हो। कितना सामान लिया? तो बहुत सामान लिया अभी। सारा सामान ले लिया घर जाके खाना पकाने का है। साइकिल लेकर बहुत थक चुका हूँ, अभी रूम पे नहीं पहुँचा है सीटू की मम्मी। मैं भी थक गई, देखो ये सीटू को लेके बहुत थकान हुई है। हाँ। नहीं सीटू की मम्मी भी थक गई है, मैं भी थक गया हूँ। और सीटू की मम्मी सीटू को लेके थक चुकी है, अभी हम रूम पे मतलब रूम पे नहीं पहुँचे अभी। तो दोस्तों अभी हम रूम पे फाइनली थोड़ा बहुत दूर है लेकिन रूम पे पहुँचने वाले अभी। तो फाइनली हम रूम पे पहुँचने वाले हैं और मेरे हाथ में इतना सामान है। अभी मैं आपको सामान दिखाऊंगा क्या क्या हमने लिया है। और सीटू की मम्मी बहुत थक चुकी है, अभी हमको और सीढ़ी चढ़ना है क्योंकि हम तीसरे मंजिल पे रहते थे। और मैं तो पसीने से पूरा भीग गया। दोस्तों फाइनली हमने आज सीटू की मम्मी आ रही है। सीटू भाई दमदार हो गए, थक गए तुमसे ज़्यादा तो मैं थक चुका हूँ क्योंकि दोस्तों साइकिल हमारा बिगड़ गया था रास्ते में, बीच रास्ते में अटक गया था। बाद में मैंने साइकिल सही करवाया। ठीक है सीटू आ जाओ बेटा, इधर तो लॉक मार के रखा है तुमने। तो दोस्तों सीटू की मम्मी ने कहाँ चाबी छुपा के रखा था, इसमें से चाबी निकला है। क्या करे तुम? तो दोस्तों हम रूम पे अभी फाइनली रूम पे आ गए हैं। मैं पसीनों से बहुत भीग गया हूँ। हिसाब करना है सीटू ने मम्मी ने 10 10 5 5 वाला दो रतलामी सेव भी लिया है, कौन सा? बालाजी का। और दोस्तों ये हमने लाया है सीटू के लिए सेव ममरा, ये सेव ममरा है।
और ये लाए हम मग सब्जी बनाने के लिए, और ये चीनी लाए, और ये पांच पांच वाले। तो दोस्तों ये पांच पांच वाले दस वाले, तो दस दस वाले दो साबुन कपड़ा धोने के लिए, और ये लाए खोपरेल क्योंकि सर पे डालने के लिए, और ए सीटू की मम्मी लाई है रानी रानी ऑयल है। ये दस कितना कितने वाला पैकेट है, तो ये 200 रुपये का केजी है सर जी। दोस्तों आप देख सकते हैं 200 रुपये का तेल है खाने के लिए, सीटू ने मम्मी ने मंगवाया था। और ये 10 पर 20 वाला हल्दी है, और ये टमाटर भी लेके आई है, और ये अदरक है, और प्याज और आलू भी लेके आए साथ में। तो दोस्तों आज हमने फर्स्ट बार इतना खरीदी किया, क्योंकि हमारे अभी शाग भाजी ख़त्म हो गया था, शाग भाजी भी लाने का था, हल्दी तेल सब्जी सब खत्म हो गया था, तो हम अभी लेके आए पूरा सामान। तो आप देख सकते हो, और दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक। क्या थक गई हो? तो दोस्तों सीटू की मम्मी बहुत थक गई, और मैं तो पसीने से पूरा भीग गया, क्योंकि मेरे को गर्मी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मैं अभी अब नया नया जॉब पे लगा हूँ, तो वहाँ पूरा एसी है, पूरा एसी का है होटल में, और इधर में बाहर घूमा तो मेरे को बहुत गर्मी हो रही है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब मत करना, मत भूलना। तब तक दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय। फिर बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय बाय करो, डेरी करो। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे को हाथ भी धोने का बाकी है, तो दोस्तों वीडियो को इधर